कपूर और कृति सानन स्टारर पानीपत 6 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और आज हम उसके प्रेस शो पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं रिपोर्टर से कि उनको मूवी कैसी लगी। बहुत अच्छी लगी मुझे, तो रियल हीरो मिस्टर गोवारीकर ही लग रहे थे। डिटेलिंग बहुत अच्छी थी, रिसर्च था और गानों के शब्दांकन भी अच्छे थे, संवाद भी बहुत अच्छे थे। पानीपत बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, शुरुआत से लेकर एंड तक कहीं पे भी बोर नहीं होता है और बेसिकली देखा जाए तो सेकंड हाफ फिल्म का बहुत ही बढ़िया था। बहुत बढ़िया, आशुतोष गोवारीकर जी का डायरेक्शन और कम बजट में इतनी अच्छी इतनी बड़ी फिल्म बनाना, बखूबी से बनाना, बहुत भाया। कैसी लगी मूवी? इट इज़ एक्सलेंट फिल्म एंड इट इज़ गोइंग टू क्रिएट हैवॉक इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ द पेशवा ड्रामा। इट इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल। अच्छी पिक्चर बनी है। मराठा का जो मराठा साम्राज्य था उसका जो इतिहास है उनके ऊपर बनाई गई है। एक्चुअली ये जो इतिहास है अपने भारतीयों को, काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं है। सदाशिव भाव पेशवा कौन था ये भी बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं रहेगा महाराष्ट्र के बाहर, तो उनके ऊपर पिक्चर बनाई है। बहुत अच्छी फिल्म है और सबको देखना चाहिए ये फिल्म। एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बट जितनी थी उतनी सरपास हो गई, बट एक और अच्छी फिल्म बन सकती थी बिकॉज ऐसी स्टोरी बार बार आती नहीं है और मुझे पहले से एक डर था कि एक निगेटिव क्लाइमैक्स है, मतलब मेरे हिस्ट्री बुक में पढ़ा है, मैं खुद मराठी स्कूल में पढ़ा हूँ तो मुझे पता थी, बट वो एक होता है ना कि फिल्म बनाते हो तो क्लाइमैक्स निगेटिव नहीं होना चाहिए और इसमें हमें पहले से ही पता था कि क्लाइमैक्स निगेटिव होने वाला है, तो एक डर था कि क्यों बना रहे हो बिकॉज हमारे यहाँ पे हैप्पी एंडिंग की ज़्यादातर फिल्में देखी जाती है। मूवी बहुत अच्छी है, बिल्कुल चटक रंग में रंगीन, जैसे भंसाली की फिल्में होती हैं आप उस तरह से बिल्कुल चटक रंग है इसमें और एक एक जो चाहे जो भी लोकेशन है या जो भी फिल्म में जो दृश्य देख रहे हैं वो केवल न केवल संवाद बोल रहे हैं, बिल्कुल एक एक दृश्य भी आपको बोलते हुए नजर आएंगे। एक्टिंग में संजय दत्त सर, कृति सैनन, पद्मिनी कोल्हापुरे और ये तीनों ज़्यादा मुझे बेहतरीन लगे। बहुत अच्छा, दे आर डन एग्जैक्टली हिस्ट्री बुक में जो है वैसे। ये हैज डन रियली वेल। संजय दत्त इज ऑल्सो वेरी गुड, कृति सनन इज गुड, पद्मिनी कोल्हापुरी, जीनत अमान, ऑल आर वेरी नाइस। इट इज़ अ स्पेक्टेकुलर फिल्म एंड मनी हैज बीन स्पेंड लाइक वाटर, बैटल सीन्स एंड ऑल। एक्टिंग वाइज तो बहुत अच्छे लगे, हालांकि ट्रेलर देखने के बाद बहुत से लोगों ने कहा था कि अर्जुन कपूर नहीं जमेंगे मराठा के रोल में, लेकिन उन्होंने अपनी रोल को बखूबी से निभाया। संजय दत्त तो माशाल्लाह हमेशा से अच्छे रहे। कृति सनन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत उम्दा एक्टिंग की, छा गई। एक्टिंग वाइज सबसे शानदार तो संजय दत्त लगे हैं अब्दाली के रोल में, एकदम नेचुरल लगे हैं। तो फिल्म में सभी कैरेक्टर ने अपना अपना कैरेक्टर जो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, स्पेशली अर्जुन कपूर और संजय दत्त, वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं या जिस टाइप की वो एक्टिंग करना चाहते हैं या जिस तरीके से वो अपना कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखता है स्क्रीन पे। अर्जुन कपूर भी अच्छे लगे हैं लेकिन बाजीराव मस्तानी में जो रणवीर सिंह ने उससे थोड़ा 19 दिखे हैं। अर्जुन कपूर ने अच्छा रोल किया है, उसको जो भी है उसने अच्छी तरह से पेश किया है और सबसे अच्छी कृति सनन लगती है, उसने जो मराठी लैंग्वेजेस के जो न्यूआंसेस है वो अच्छी तरह से यूज़ करके अपने रोल को अच्छी तरह से उभारा है। एक्टिंग मुझे अर्जुन कपूर ठीक ठाक लगे बट और भी बेटर हो सकता था बिकॉज हम लोग ने बहुत सी फिल्में वॉर से मराठा करते हुए देखे, अभी अजय देवगन भी तानाजी करने आ रहे हैं, रणवीर ने किया है, तो मे बी वो एक्सपेक्टेशन लेवल कंपैरिजन की वजह से बढ़ जाता है, उस पर उतने खरे नहीं उतरे बट ठीक ठाक किया है, जो उनके खाते में उनका रोल आया उतने किया। कृति सनन भी लग रही है ब्यूटीफुल दिख रही है फिल्म में, साड़ी द ट्रेडिशनल अवतार में, एक्शन इसमें भी थोड़े बहुत उसे मिले हैं बट आई गेस कि वो एक रोल थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता था। संजय दत्त पहले डर लगता है कि एक्चुअल में विलन है बट सडनली वो एकदम लाउडली बोलते हैं जो कि उनकी आवाज़ दबी हुई होती है। एक्चुअली जो विलन है वही अब्दाली का रोल है, वो एक मतलब मैंने जो पढ़ा है उनके बारे में कि वो उनके सैनिकों के भी परवाह नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, ऐसे था, बट यहाँ पे वो बहुत नरम दिखाया गया है और थोड़ा एंगर वहाँ पे शाउट आउट से होता था तो अच्छा होता। 5 out of 5। साढ़े तीन, चार स्टार, 3.5, 2.5। मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार देना चाहूँगा। नंबर देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी थोड़ा सोचकर बताएं, अभी तो मूवी देखकर निकले हैं, थोड़ी जल्दीबाजी होगी लेकिन मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी है। वेल, तो ये था हमारा रिपोर्टर्स रिव्यू। अगर आप हिस्ट्री के बहुत बड़े फैन हो तो